फिट हो। स्वार्थ के कार्य भी तुम अच्छी तरह से सफल करते हो, परमार्थ के कार्य भी तुम बहुत व्यस्त तरीके से करते हो। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने की फिक्र कीजिए। कैसे स्वस्थ रहेगा? शाम को खट्टी चीजें मत खाइए, शाम को फल भी मत खाइए, शाम को सलाद मत खाइए। 40 साल की उम्र के बाद शाम को चावल भी मत खाइए, और यदि हो सके तो 50 साल की उम्र के बाद शाम को कुछ भी मत खाइए। काम खत्म। लेकिन जिनको बहुत भूख लगती है, रोटी दाल सब्जी दूध दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। जिनको खांसी आती है, दूध से बनी चीज़ें मत खाएं, मीठा मत खाएं, खट्टा मत खाएं। और जिनका शरीर बराबर कमज़ोर रहता है, हमेशा लचपच लचपच लचपच, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको पहली बात तो जोर से हंसना चाहिए, गहरी नींद सोना चाहिए, और व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और पैदल तेज चाल में चलना चाहिए 5 किलोमीटर। धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कीजिए, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। बस तो शरीर के प्रति कबीर संकेत कर रहे हैं, काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। शरीर पुराना हो गया, और शरीर की मुख्य 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था अज्ञानावस्था है, खेल कूद में मनोरंजन में बीतती है। हालांकि बाल्यावस्था विद्या अध्ययन की अवस्था है, बाल्यावस्था संस्कार प्राप्त करने की अवस्था, बाल्यावस्था सीखने की अवस्था है, और जो भी सीखा है, जो भी संस्कार पाया है, युवावस्था उस शिक्षा और संस्कार को प्रयोग करने की अवस्था है, युवावस्था। इसलिए बचपन व्यर्थ मत जाने दो। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में दीक्षा लिया था नारद जी से, और 5 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर भक्ति किया था। मीराबाई ने भी बाल अवस्था से ही भक्ति शुरू कर दिया था। शिवरी ने बाल्यावस्था से भक्ति प्रारंभ किया था। प्रहलाद जी ने शुरू से ही भक्ति प्रारंभ कर दिया था। कितने लोग 80 साल के हो गए, कहते हैं भक्ति के बारे में विचार करेंगे, विचार अभी विचार 80 साल विचार नहीं किया है। चली आ रही है मौत धीरे धीरे, विचार करोगे? एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया, मित्र से कहा कि मेरी नाक में मच्छर घुस गया है, बोले तो छिनक दो निकल जाएगा, बोले विचार कर रहा हूं। ये कोई विचार करने की बात है? तो फटाफट, जब से चेत है तब से सही, कहीं कबीर जात है बही। जीवन की नाव चलती चली जा रही है, जल्दी चेतो जागो, भक्ति में लग जाओ। भक्ति से ही गुरु मिलते हैं, गुरु से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से संयम नियम मिलता है, और संयम नियम से शांति और प्रसन्नता मिलती है। संसार में ऐसे सुख शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। घर ही में मूसल चोर, कबीर साहब कहते हैं घर ही में चोर घुसा हुआ है, यानी घर ही से अशांति पैदा होती है। जिस घर को तुमने बनाया था शांति के लिए ना, उसी घर में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हो जाता है
जिसको ग्रामीण भाषा में कंडोर कहते हैं, अशांति पैदा कर देगा। सबके घर में करीब करीब एक एक तो होता ही है, और जो ज्यादा किस्मत वाले उनके घर में दो दो तीन तीन भी नालायक होते हैं, और जो बहुत सौभाग्यशाली उनके घर में तो घर छोड़कर बाकी घर भर सब नालायक है। बहुत कठिन मामला है। विभीषण के घर में टोटल कंडोर थे, केवल अकेला विभीषण था। जब हनुमान जी ने लंका में भ्रमण किया रात्रि कालीन के समय अंधेरे में चुपके से कहीं की भी सच्चाई को ठीक से जाना जा सकता है। अंधेरा हो, रात हो, कोई पहचान ना पाया हो, और आप घूम कर देखें तो रात में अंधेरे में सब पता चलता है क्या हो रहा है। हनुमान जी ने जब लंका का भ्रमण किया, देखिए कहीं कुछ कार्य करना हो तो सर्वप्रथम वहाँ का भ्रमण कीजिए, वहाँ का सिचुएशन एंड लोकेशन सब देखिए, रास्ते किधर हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। आपको बिजनेस करना है, अंधाधुंध दुकान मत खोलिए। जहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए लोगों के पास में दाम नहीं है, वहाँ तुम सोना चांदी की दुकान खोलोगे, कौन खरीदेगा? इनके बीच में मत खोलिए। आप तो ऐसी जगह ढूंढिए जिनको सब्जी की परवाह नहीं है, जिनके पास में अब सब्जी से ऊपर उठ चुके हैं, दाल भात से ऊपर उठ गए, जो सब्जी की ही टेंशन में पड़े हैं, वो सोना चांदी कहाँ खरीदेंगे? तो कुछ लोग तो ऐसे होशियार है जो बाजार जब खत्म हो जाती है तब सब्जी लेने जाते हैं, जो सड़ी गली बचती है सस्ती मंदी लेकर आ जाते हैं। जब लेडीज उसको काटती है तो मन में दुखी होती है कि आधी सड़ी निकल गई, बोले सस्ती है तो आधी सड़ी निकल गई तो कीमत तो फिर उतनी हो गई लगभग जाके, और काटने मेहनत ज्यादा पड़ी, लेकिन दिमाग ही सड़ा है तो सड़ी सब्जी। थोड़ा कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, क्वालिटी का खाना होना चाहिए, कपड़े भी अच्छे पहनो, गाड़ी भी अच्छी रखो, घर के बर्तन भी अच्छे रखो, ऐसे उटपटांग नहीं, कुर्सी मेज भी अच्छी रखो, बेड भी अच्छा लगाओ, इसका भी रिस्पांस है। आज मैं कमिश्नर के कार्यक्रम में गया था, उन्होंने एक कार्यक्रम लगाया था, तो वहाँ से जब मैं चला तो उन्होंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा, मेरी गाड़ी में बोले, तो मेरी गाड़ी में पीछे बेड बना हुआ, एक ही सीट खाली है, तो हमने सोचा उसमें कहाँ बैठेंगे, जगह नहीं। तो मैं भी होशियार, मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी बैठूंगा। तो बोले मेरी गाड़ी छोटी है, तो हमने कहा छोटी में जब बड़े लोग बैठते हैं तो वो भी बड़ी मानी जाती है, चलो बैठो। दोनों साथ साथ आए, बैठ के पूरे उत्तर प्रदेश के कमिश्नर हैं, बड़ी श्रद्धा है। आए, सब लोग बंदगी कर रहे थे तो बंदगी भी किया, कुर्सी से उतर कर नीचे बैठकर आरती हुई तो आरती में दान 500 रुपये डाला, फिर दान डिब्बा अलग से और डाला। तो हमने कहा दानी भी है, ज्ञानी भी है, निर्माणी भी है, नीचे बैठकर बंदगी कर रहे थे और हंस भी रहे थे। वास्तव में जो ज्ञानी होता है उसका पहला लक्षण होगा अमानित्तम, वो अमानी होगा, अमानी माने निर्माणी होगा, निर्माणी माने विनम्र होगा।
अब विनम्र होने का ये अर्थ नहीं है कि विनम्र है तो का घूर बैठा थे, ये भी अर्थ गलत है। उसकी योग्यता, उसका सिस्टम भी समझो कि विनम्र है इसका अर्थ ये नहीं है। उसकी योग्यता को देखो, उसके गुणों को देखो, उसको यथास्थान बिठा दो। तो उम्र मनुष्य की ऐसे बीतती है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल धीरे धीरे टपक जाता है, अंजलि खाली हो जाती है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, एक शायर कहता है, अभिषेक यादव जी समझना। आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, समान 100 बरस का है लेकिन लेकिन पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। ये 100 वर्ष का सामान सबको मिला है, वेद ऋषि ने कहा है सतायु भव 100 वर्ष जियो, लेकिन 100 वर्ष कितने लोग जीते हैं? बहुत कम लोग जीते हैं। 100 वर्ष पार करना बहुत कठिन है, कितने लोग तो बस 20 के बाद ही खीस निकाल देते हैं, 30 के बाद 30 मार हो गए खत्म। अधिक बीमारी भी आपके शरीर को अल्प समय में मृत्यु के पास पहुंचा देती है। लेकिन याद रखना, पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, सबको उम्र बराबर मिली है क्या? नहीं नहीं, जगतगुरु शंकराचार्य 32 वर्ष में संसार को छोड़ चले गए, इतने महान संत थे। स्वामी विवेकानंद 38-39 साल की उम्र में सब काम करके चले गए, बड़ी बड़ी महान पुरुषों की कथा है। कम जियो, ज्यादा जियो, जितना जियो उतना जियो, लेकिन जीने का ढंग अच्छा होना चाहिए।